सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 2019 जनवरी के मंथ में स्टाफ नर्स बीपीएस 16 के लिए 1096 सीट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसकी टेस्ट अगस्त के मंथ में हुई। टेस्ट PCQs फॉर्म में थी, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे उनकी तादाद 50 टोटल मैक्सिमम स्कोर था वो था 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स थी, 2 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स माइनस थी। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे उनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए थी। जो BSN स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी अप्लाई किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि BSN नर्सिंग जेनरिक के लिए कोई BPS 17 की पोस्ट इतने तादाद में या ऐसी कोई पोस्ट आए, क्योंकि अभी तो हमारा स्ट्रक्चर ही रिसेंटली बना है। तो नए स्ट्रक्चर के तहत हम काफ़ी होपफुल है और कॉन्फिडेंट है कि ज़रूर इसमें BSN जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जाए जो टेस्ट थी वो BPS 16 की थी, उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, जो एलिजिबल क्राइटेरिया था वो डिप्लोमा इन नर्सिंग था। इस टेस्ट में 8000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था थ्रू आउट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सिंध। वैकेंसीज थी वो 1096 थी। इसका जो लेवल था वो काफ़ी इजी था, एक टेस्ट तो हो गई हो सके रिजल्ट आ जाए। तो कंपटीशन काफ़ी टफ था, क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद 8000 थी। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि नर्सिंग की शार्टेज है, और दूसरी तरफ आप खुद सोचें जहाँ पर 1100 सीट्स है वहाँ पर 8000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये शार्टेज है या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स को नहीं दे रहा है? इतनी शार्टेज है तो कितने कैंडिडेट्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि कैंडिडेट्स ने 1100 सीट्स के लिए अप्लाई किया था, तो शार्टेज अगर इतनी आप कहते हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में बात हो रही है, और एक जो स्टैंडर्ड रेशियोस के हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी शार्टेज है। तो आपके पास तो अभी बल्क फॉर्म में कैंडिडेट्स बैठे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दे रहे हैं? वेल, टेस्ट का जो मंथ था वो अगस्त था, उसमें हो गई है, अभी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो आगे आएंगे। अभी जो एक रिसेंटली मैंने कहाँ पर उनका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिस देखा था, उसमें ये था कि जो कैंडिडेट्स अगर 1100 सीट्स हैं तो उस पर जो कैंडिडेट्स का रेशो होगा 1 सीट पर जो सिलेक्ट करेंगे वो 2.5 कैंडिडेट्स। मतलब कि अगर 1100 सीट्स हैं तो उसके हिसाब से उनको 2600 से 2700 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटरव्यू में। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे वो क्वालिफाई करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ।